इंदौर शहर में अवैध इमारतें और कब्जा की गई जमीनों पर कार्रवाई करने के लिए इंदौर प्रशासन और नगर निगम संयुक्त होकर कार्रवाई कर रहा है। बुधवार को ऐसे ही अवैध कब्जों की जमीनों के आरोपियों को दबोचा। अधिकारियों ने गुंडे सादिक चंदनवाला को पकड़ा, जिसके पास से जी प्लस वैन, 30x50 का मकान, 3 दुकान जो रानीपुरा में स्थित है पर कार्रवाई की। इंदौर के मच्छी बाजार प्रेम सुख टाकिज के सामने नाले किनारे रिमूवल कार्रवाई पर जब्त किए गए और आज ही के दिन चंदनगर क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि कुछ दिन ही पहले कंप्यूटर बाबा का अवैध रूप से बना आश्रम तोड़ा गया था। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उसके ठीक पीछे एक अवैध निर्माण है, उसको तोड़ा जा रहा है और इसके पास में ही इसी व्यक्ति का एक और जो साजिद चंदन वाला है उसका एक और अवैध निर्माण है, उसको भी तोड़ा जाना है। उसी कड़ी में जो है ये अभी गुंडों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम का संयुक्त अभियान है और उसी के तहत ये जो है अवैध निर्माणों को तोड़े जाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये साजिद चंदन वाला के पहले भी कार्रवाई हो चुकी है कई निर्माण? हाँ, पहले भी ये इस तरह के अभियान चले हैं और काफ़ी दिनों से, 1-1.5 साल से अभियान बंद था लेकिन अभी ये पुनः शुरू किया गया। सर, कितना बल लगा है इसमें? करीब 125 लोग नगर निगम के हैं और करीब 50 का पुलिस बल है। हाँ, चंदन नगर में भी एक कार्रवाई है, वो भी एक अपराधी के खिलाफ है, उसका भी अवैध निर्माण है, उसको तोड़ा जाना है, तो वहाँ टीम अलग से गई है, वो भी 10 बजे के पहले हो जाएगा। सर, क्या इन दो कार्रवाई के अलावा भी आज कोई और टारगेट पर है? नहीं, आज ये दो कार्रवाइयाँ जो यहाँ हैं, एक मैंने जैसा बताया आपको चंदन नगर में है, इसके अलावा और आज की तारीख में और कोई कार्रवाई नहीं। सर, क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण करता था या अवैध कब्जे करके और जिस तरीके? ये अवैध कब्जे, अवैध निर्माण दोनों हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।